नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल अडानिया एजुकेशन अकेडमी आसिंद पर। हम जो है कक्षा 12 का रसायन विज्ञान पढ़ रहे थे और लास्ट क्लास में हमने बात की थी साइनाइड के बारे में। हालांकि ये साइनाइड जो है आपके नए सिलेबस के हिसाब से हटा दिया गया है और जो पिछले जो इससे पहले जो अपन ने बात की थी डाइअजोनियम लवण वो भी हटा दिया गया, लेकिन देखो बड़ी क्लासों में कहीं ना कहीं आपके ये काम आएंगे, इसलिए मैं फ्री था तो मैंने सोचा इस पर भी वीडियो एक बना दिया जाए। आज हम बात करेंगे नाइट्रो यौगिकों के बारे में। नाइट्रो यौगिक ये आपके सिलेबस में है, इसको हटाया नहीं गया है, तो इसी वीडियो के अंदर अपन ये जिसके बारे में बनाने की विधियां है और इसके जो रासायनिक गुण है वो अपन कंप्लीट कर लेंगे, चाहे वीडियो जितना भी लंबा हो। ज़्यादा बड़ा टॉपिक भी नहीं है, छोटा टॉपिक है। और उसके बाद हमारा एक लास्ट चैप्टर बचेगा आपका स्टीरियो केमिस्ट्री यानी त्रिविम रसायन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को लेकर, ठीक है। तो कोशिश करूंगा मैं उसको एक या दो वीडियो के अंदर, उसको छोटा चैप्टर है तो एक या दो वीडियो के अंदर जो भी समय लगेगा, एक डेढ़ घंटा जो भी लगेगा उसके अंदर उसको कंप्लीट अपन कर देंगे। छोटा चैप्टर है, ज़्यादा कोई विशेष उसके अंदर अपने को अकॉर्डिंग टू 12th है यानी कक्षा 12 के हिसाब से कुछ ज़्यादा अपने को विशेष उसके अंदर देखने को नहीं मिलता है। उसमें कुछ सिलेक्टेड क्वेश्चन होते हैं जो उसके बारे में भी अपन विशेष तौर से उस चैप्टर के अंदर चर्चा करके उस चैप्टर को अपन फिनिश कर देंगे। उसके बाद अपन बात करेंगे आपका जो 4th लेसन है उसके बारे में। बार बार कमेंट भी आ रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा कॉल भी मुझे आए, मैसेज भी आए थे कि सर जो रासायनिक बल की थी यानी जो 4th लेसन वो जो रह रहा है वो आप कंप्लीट करो, तो उसको भी अपन करेंगे। चलिए आज की क्लास हम प्रारंभ करते हैं। आज हम बात करने वाले हैं नाइट्रो यौगिकों के बारे में। किसके बारे में? नाइट्रो यौगिकों के बारे में। नाइट्रो यौगिक, देखिए नाइट्रो यौगिक क्या होते हैं इससे समझने से पहले अपन सबसे पहले बात करते हैं नाइट्रो समूह के बारे में। देखिए नाइट्रो समूह जो होता है वो होता है NO2, है ना, NO2 ये होता है नाइट्रो समूह। अगर हम इसकी संरचना की अगर बात करें तो इसकी संरचना कुछ इस प्रकार से होती है, ये नाइट्रोजन और अगर आप देखोगे ये ऑक्सीजन होती है इस प्रकार से और ये इधर लगा होता है इस प्रकार से, इस तरह से ये इसकी क्या होती है संरचना होती है नाइट्रो समूह की। इसमें अगर हम बात करें तो यहां पर देखिएगा इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे, यहां होते हैं इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन और यहां इस ऑक्सीजन के पास होते हैं इस प्रकार से 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, जिसमें इस ऑक्सीजन पर क्या होता है ऋणावेश होता है, इस नाइट्रोजन पर क्या होता है प्लस होता है, ठीक है। तो इसके अंदर देखिएगा क्या हो सकता है कि यहां से जो ये जो इलेक्ट्रॉन है अगर मान लो यहां दान कर दिए जाते हैं तो ये बंद कहां आ सकता है, यहां आ सकता है। तो अपने को जो है अगली कंडीशन देखने को क्या मिल सकती है, देखिएगा ये नाइट्रोजन और इस प्रकार से यहां से अगर ये इलेक्ट्रॉन इधर चले गए तो यहां इस ऑक्सीजन पर क्या आ जाएगा, ये ऋणावेश यानी यहां पर इसके 6 के 6 इलेक्ट्रॉन इस प्रकार से ये आ जाएंगे और यहां पर क्या बन जाएगा ये इस प्रकार से ये द्विबंध जो है यहां पर बन जाएगा, इस पर ये प्लस है जो है ही है, ठीक है। तो ये एक नाइट्रो यौगिक जो है इस प्रकार से अपने को देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो अब बात करते हैं अपन आखिर नाइट्रो यौगिक होते क्या हैं। देखिएगा जो हाइड्रोकार्बन जो होते हैं, हाइड्रोकार्बन यानी जो हाइड्रोजन और कार्बन से मिलकर बने होते हैं, यदि उन हाइड्रोकार्बन में से एक या एक से अधिक हाइड्रोजन का विस्थापन जो है अगर इस नाइट्रो समूह के द्वारा हो जाता है तो उसे हम क्या कहते हैं, नाइट्रो यौगिक कहते हैं। तो परिभाषा इसकी अपन क्या दे सकते हैं कि यदि किसी हाइड्रोकार्बन से एक या एक से अधिक, यदि किसी हाइड्रोकार्बन से एक या एक से अधिक हाइड्रोजन परमाणु का विस्थापन किसके द्वारा हो जाता है, नाइट्रो समूह के द्वारा हो जाता है तो इसे हम क्या कहते हैं, नाइट्रो यौगिक कहते हैं, ठीक है जी। तो लो इसको आप फटाफट स्क्रीनशॉट ले लो, फिर क्लास जो है प्रारंभ करते हैं। बात करते हैं अपन इसके देखो नामकरण के बारे में, तो अपने को कुछ नहीं लिखना होता है, इसका नाइट्रो एल्केन अपन लिख सकते हैं, इसका नामकरण जो लिखते हैं क्या लिखते हैं, नाइट्रो एल्केन। इससे पहले अपन बात करते हैं इसके टाइप्स के बारे में, देखिएगा टाइप्स के बारे में बात करता हूं तो वही तरीका होगा आपके 1 डिग्री 2 डिग्री। सबसे पहले अपन बात करते हैं जैसे मान लो कि CH3 CH2 और ये NO2, जिस कार्बन से NO2 समूह जुड़ा हुआ है वह कार्बन कितने से जुड़ा हुआ है, एक से, तो इसे अपन क्या बोल देंगे 1 डिग्री या प्राथमिक। उसी प्रकार से CH3 ये हो गया CH3 और ये क्या हो जाएगा NO2, जिस कार्बन से क्या जुड़ा हुआ है, जिस कार्बन से NO2 समूह यानी नाइट्रो समूह जुड़ा हुआ है वह कार्बन आपसे कितने 2 कार्बन से जुड़ा हुआ है, इसे बोलेंगे 2 डिग्री या द्वितीयक। और अगला हो जाएगा जैसे मान लो कि ये हो गया CH3 NO2, जिस कार्बन से NO2 जुड़ा हुआ है वह कार्बन कितने जुड़ा हुआ है, 3 से, इसको अपन बोलते हैं 3 डिग्री या तृतीयक।
क्या बोल सकते हैं, त्रिडिग्री या तृतीयक। ठीक है, तो ये चीजें तो अपन काफी, जैसे एल्कोहल के अंदर भी बात की थी अपन, 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री, और आपके जो हेलोजन उत्पन्न है 10वां पार्ट उसमें भी अपन ने बात की थी। ठीक है, क्या बात है यार, आज तो क्लास शुरू हुई नहीं, उससे पहले चाय आ गई है। चलो आप ले लो इसको, मैं भी फटाफट चाय की चुस्की ले लेता हूँ। ठीक है जी, तो ये 1 डिग्री 2 डिग्री और 3 डिग्री, इसका जो अपन नाम लिखते हैं वो अपन लिखते हैं नाइट्रो एल्केन। क्या लिखते हैं? नाइट्रो एल्केन। उस हिसाब से अगर अपन देखें सबसे पहले वाले का नाइट्रो एल्केन, तो कार्बन कितने हैं? 2, तो क्या हो जाएगा? नाइट्रो एथेन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? नाइट्रो एथेन। आज की चाय ठीक है, बाकी तो कई बार तो क्या कि सीधी सी चाशनी आ जाती है, बहुत ज़्यादा शक्कर डाल देते चाय वाले, ऐसा लगता है जैसे शक्कर के भाव कम हो गए हो। हैं? ठीक है जी, तो देखिएगा ये सीधा सा हो जाएगा। इसके अंदर देखिएगा कि इसको अपन, मैंने बताया था कि क्या लिखते हैं अपन नामकरण में, अपन लिखते हैं नाइट्रो एल्केन। क्या लिखते हैं? नाइट्रो एल्केन। ठीक है जी, तो यहां पे आप देखिएगा कि ये तो ये नाइट्रो और एल्केन का मतलब कार्बन कितने हो गए? 2, तो नाम क्या हो जाएगा इसका? नाइट्रो एथेन। नाम क्या हो जाएगा इसका? नाइट्रो एथेन। मैं लिख देता हूं यहां पे इसका नाम भी, क्या हो जाएगा? नाइट्रो एथेन। भाई पहले कार्बन भी जुड़ा हुआ, ये तो इसमें देखते देखिए लंबी श्रृंखला लेते अपन, ये लंबी श्रृंखला हो गई आपकी, ये वाली सबसे लंबी श्रृंखला हो गई ना, तो 1 2 3, तो 2 नाइट्रो, क्या हो जाएगा? 2 नाइट्रो, दूसरे कार्बन में जुड़ा हुआ है 2 नाइट्रो प्रोपेन। ठीक है जी, इसका देखेंगे तो मान लो कि ये लंबी श्रृंखला ले लेते हैं अपन, ठीक है, तो 1 2 3, तो 2 पे एक तो क्या जुड़ा हुआ है? मेथिल। 1 पे क्या जुड़ा हुआ है? नाइट्रो। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? देखो मेथिल पहले आता है एन, ये तो आता है एम से, ये आता है एन से, तो पहले कौन आता है? JKLMNO, एम पहले आएगा, तो क्या हो जाएगा? 2 मेथिल 2 नाइट्रो, 2 पे नाइट्रो समूह जुड़ा हुआ है, 2 मेथिल 2 नाइट्रो, फिर कार्बन कितने? 3, तो प्रोपेन। ठीक है जी, तो ये बहुत नामकरण जो है इनका बहुत सरल होता है, नामकरण में कुछ भी ना है इसके अंदर। ठीक है जी, मिटा दें, चलो। तो बहुत ही इजी आज का जो है ये लेक्चर है वाला, वैसे तो केमिस्ट्री पूरी में तो यही कहूँगा बहुत ईजी है अगर इसको व्यवस्थित तरीके से पढ़ा जाए। ठीक है, आप लोग क्या करते हो कि इस पर रट्टा मारते हो, देखो रट्टा मारने से कोई चीज़ होगी नहीं, है ना, इसके कंसेप्ट को समझो यार, बहुत इजी है और स्कोरिंग सब्जेक्ट है आपके। अगर मान लो कि अगर देखोगे तो बायोलॉजी से आराम से आप इससे इसमें ज़्यादा नंबर ला सकते हो। बायोलॉजी के अंदर तो आप देखते हो कि बहुत ज़्यादा लिखना पड़ता है, बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती है जो याद रखनी पड़ती है, इसके अंदर तो क्या कि कंसेप्ट लगाना होता है कि आपको इतनी रिएक्शन आपने पढ़ ली है तो अब तो पता चली होगी यार रिएक्शन जो है किस प्रकार से होती है, है ना। तो चलिए और देखते हैं अपन, जैसे मान लो कि ये लिखते हैं अपन एक, इसके अपन बात करते हैं, ये बेंजीन, इसके ऊपर क्या लगा दिया मैंने? NO2। इसका नाम क्या हो जाएगा? नाइट्रो बेंजीन। कई बार पढ़ चुके हैं यार ये चीजें तो अपन, नाइट्रो बेंजीन। अब देखिए इसकी दो स्थिति, 3 स्थिति होती है, ऑर्थो, मेटा और पेरा, 3 स्थितियां होती है इसकी, ऑर्थो, मेटा और पेरा। ठीक है, ये NO2 हो गया, अब इसको अपन बोलते हैं ऑर्थो, ये क्या होता है? मेटा, और ये क्या होता है? पेरा। मैंने शॉर्ट ट्री का मतलब एक आपको बताया भी था कि ऑर्थो, मेटा और पेरा, ओम प्रकाश, है ना, सीधा सा ओम प्रकाश, ऑर्थो, मेटा, पेरा, तो इसको अपन किसे याद रख सकते हैं? किसे याद रख सकते? देखो ओम प्रकाश। ठीक है, तो अब यहां पर अगर अपन देखते कि कोई समूह यहां पर लग जाए मान लो, तो क्या होगा देखिएगा। ठीक है, जैसे मान लो कि मैं यहां पे जोड़ देता हूं किसी NO2 समूह को, यहां पे जोड़ दिया मतलब NO2, ये कौन सी स्थिति है? ऑर्थो। क्या हो जाएगा? ऑर्थो। नाइट्रो समूह कितने हैं? 2, तो ऑर्थो डाई नाइट्रो बेंजीन, इस प्रकार से इसका नाम हो जाएगा। यदि यही नाइट्रो समूह अगर यहां लग गया तो क्या हो जाएगा? मेटा डाई नाइट्रो बेंजीन। इसी को अगर यहां लगा दूं तो पेरा नाइट्रो डाई बेंजीन। ठीक है, अगर यहां पे भी लगा दूं और यहां पे भी लगा दूं और यहां पे भी लगा दूं तो फिर क्या होगा? देखो ऐसे में क्या कर लिख सकते हैं अपन, ऑर्थो, मेटा, पेरा, ऑर्थो, मेटा, पेरा, और ये और भी लगा हुआ है, कितना हो गए? 4 हो गए,
ऑर्थो मेटा पेरा टेट्रा नाइट्रोबेंजीन। क्या हो जाएगा इसका नाम, देखो मैं लिख देता हूं यहां पर, अगर ऐसी स्थिति आ जाए तो क्या हो जाएगा, ऑर्थो मेटा पेरा, कितने चार, तो क्या चार के लिए क्या लिखते हैं अपन, टेट्रा टेट्रा नाइट्रो बेंजीन। क्या हो जाएगा, ऑर्थो मेटा पेरा टेट्रा नाइट्रो बेंजीन। ठीक है जी, तो ये इसका नामकरण का तो देखो बहुत ही सीधा है, नामकरण के लिए कोई इसमें कोई विशेष अपने को ध्यान रखने की आवश्यकता है नहीं। ठीक है, अब हम बात करते हैं इसके, एक तो जो बनाने की जो विधियां हैं उसको लेकर बात करते हैं। कई बार क्या हर बार क्वेश्चन तो उसी से बनते हैं, बनाने की विधियों से। तो सबसे पहले अपन बात कर लेते हैं हाइड्रोकार्बन से, देखिए अपन किस प्रकार से बनाएंगे। हाइड्रोकार्बन से बनाने की बहुत सीधी सी विधियां हैं, देखिएगा। हाइड्रोकार्बन से जैसे CH4 ले लेता हूं मैं, मेथेन, इसकी क्रिया कराऊंगा मैं नाइट्रिक अम्ल से, HNO3 से, किसे कराऊंगा, नाइट्रिक अम्ल के साथ मैं इसकी क्रिया करवाता हूं। यानी टेम्परेचर जो होता है यहां पर लगभग 673 केल्विन के आसपास होता है, टेम्परेचर को इतना कोई ज्यादा आपको याद रखने की आवश्यकता नहीं है, 673 केल्विन। तो देखो यहां से क्या निकलेगा, हाइड्रोजन, और यहां से H, अपने को जोड़ना क्या है NO2, अपने को जोड़ना क्या है NO2 जोड़ना है। ठीक है जी, तो यहां से क्या होगा H और ये H, और यहां से ऑक्सीजन बाहर निकल जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा CH3NO2, और बाहर क्या निकल जाएगा H2O, बाहर क्या निकल जाएगा H2O। भाई यहां से हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन यहां से निकल गया, ऑक्सीजन H2O, NO2 जुड़ गया। उसी प्रकार से आप ये ले लो बोले CH3 प्लस HNO3। तो इसमें देखो यार दो प्रकार के बनने की संभावना होती है, एक तो बनता है CH3CH2NO2, ये तो मुख्य उत्पाद बनता है, और कुछ मात्रा में कभी कभी ये भी बन जाता है NO2। ठीक है, बाहर क्या निकलेगा, वही निकलेगा, जल निकलेगा। ठीक है, तो इस प्रकार से ये कितना कौन सा यौगिक बनता है, इस प्रकार से ये कुछ मात्रा में ये बन सकते हैं यहां पर। ठीक है जी, क्लियर। अगला आता है मान लो कि बेंजीन दे रखा हो, बेंजीन से कैसे बनाएंगे, तो बेंजीन का भी वही प्रोसेस है, कई बार ये चीजें आप पढ़ चुके हो बेंजीन की भी। देखिएगा बेंजीन अगर आपको दे दिया जाए तो कैसे बनाओगे, देखो बेंजीन से क्या बनेगा, नाइट्रो बेंजीन बनेगा सीधा सा, और क्या, देखो इधर ये है बेंजीन। ठीक है जी, बेंजीन की क्रिया करा रहे हो आप किससे, नाइट्रिक अम्ल से, किसकी उपस्थिति में कराते हैं अपन, सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में होती है ये क्रिया, तो सभी को पता है, कई बार अपन करवा चुके हैं ये तो। ठीक है, अब देखो यहां पर क्या है, हाइड्रोजन, यहां से हाइड्रोजन निकलेगा, और एक हाइड्रोजन ये, और यहां से ऑक्सीजन ऊपर लग जाएगा NO2 यानी नाइट्रोबेंजीन, इस प्रकार से ये NO2, और बाहर क्या निकल जाएगा फिर से यहां पर आपके H2O, क्या निकल जाएगा H2O। ठीक है जी, अब अपन बात करते हैं एल्किल हैलाइड से। एल्किल हैलाइड से तो देखो कई बार रिएक्शन अपन करवा चुके हैं, मिटा दें इसको, चलो मिटा दें। एल्किल हैलाइड से तो अपन करवा चुके हैं रिएक्शन इसकी कई बार, देखो देखिएगा एल्किल हैलाइड के रूप में यहां पे मैं इससे शॉर्ट में लिख रहा हूं ये RX, और दूसरा लिख रहा हूं ये मैं RX। यहां इसकी क्रिया कराता हूं मैं किसके साथ, पोटेशियम नाइट्राइड के साथ यानी KNO2 के साथ। ठीक है, और इसकी क्रिया कराता हूं मैं इसके साथ AgNO2 के साथ करवाता हूं। देखिएगा तो इससे क्या बनेगा, RNO2 प्लस, बाहर क्या निकलेगा KX, और इससे भी क्या बनेगा RNO2 प्लस, बाहर क्या निकल जाएगा AgX, इस प्रकार से। लेकिन यहां अगर हम नाम की बात करें ना, तो नाम थोड़ा इसको अपन अलग अलग देंगे। ठीक है, इसको तो अपन कह देंगे नाइट्रो एल्केन, नाइट्रो एल्केन, क्या बोल देंगे नाइट्रो एल्केन। ठीक है, लेकिन इसको अपन बोलेंगे एल्किल नाइट्राइट, एल्किल नाइट्राइट। अब बात आती गुरुजी ऐसा क्यों है, आपने ऐसा क्यों किया, देखने में तो दोनों चीजें एक से सी दिख रही है लेकिन नाम अलग अलग कैसे। तो अरे बोलो, पहले भी हम इसके बारे में बात कर चुके हैं, इसके बारे में पहले भी बात कर चुके, चलो कोई ना एक बार और कर लेते हैं, क्या फर्क पड़ रहा है। ठीक है, देखते हैं अपन यहां जो ये बनेगा ना, यहां पर कौन जुड़ा हुआ है, ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है इस तरह से, देखिए
सॉरी ऑक्सीजन क्या यहां पर जुड़ा हुआ है, इस तरह से अपन बात करें आर ओ एन ओ, ये इस प्रकार से जुड़ा हुआ है इसके अंदर, तो ठीक है। अगर इसकी अपन बात करें तो यहां पर जुड़ा हुआ ये आर एन ओ और ये ओ, इस तरह से, ठीक है। तो नाइट्राइट और नाइट्रो इन दोनों में क्या कि फर्क आ जाता है थोड़ा सा, ठीक है जी। थोड़ा आई थिंक मिस्टेक कर रहे हैं क्या अपन कुछ, नाइट्राइट में NO2 प्लस R प्लस O, ये इस तरह से बनेगा अपने, और यहाँ पे बनेगा ये इस तरह से O डबल बॉन्ड O, ये ठीक है जी। तो इसका कारण क्या है, कारण अपन पढ़ चुके हैं पहले, कारण जो है इसका अपन पहले ही पढ़ चुके हैं, ठीक है जी, मिटा दें। इसका कारण अपन दसवें पाठ के अंदर पढ़ चुके हैं, ठीक है जी। तो ये हो गया आपके एल्किल हैलाइड से कैसे बनाएंगे। अगला आता है एनिलीन से, किससे, एनिलीन से। एनिलीन क्या होता है देखो, NH2 ये होता है एनिलीन। जब इस एनिलीन की क्रिया किससे करवाते हैं अपन, नाइट्रस अम्ल से करवाते हैं। नाइट्रस अम्ल क्या होता है, HNO2 plus HCl, कई बार करवाया अपन ने, और क्या बनता है इसे, बहुत फेमस चीज बनती है, डाई एजोनियम लवण। क्या बनती है, डाई एजोनियम लवण बनता है, यानी N2 plus और Cl minus, ये बनता है डाई एजोनियम लवण। इससे डाई एजोनियम लवण की क्रिया अपन करवाते हैं सोडियम नाइट्राइड से, यानी NaNO2 किसकी उपस्थिति में, कॉपर की उपस्थिति में। तो देखिएगा यहां से N और यहां से ये Cl बाहर निकल जाएगा, NaCl, NaCl और क्या निकल जाएगी, N2 बाहर निकल जाएगी, ये नाइट्रोजन, और कौन जुड़ जाएगा, NO2 जुड़ जाएगा। सीधा सा है, कुछ भी नहीं है इससे जी, तो और कुछ हो नहीं सकता केमिस्ट्री के अंदर। देखिए ये हो गया आपका NO2, यहां से क्या निकलता है सभी को पता ही है आपको, ठीक है जी, क्लियर। तो ये हो गया एनिलीन, ये हो गया डाइएथिलीन लवण। डाइएथिलीन लवण की क्रिया अपन किसे कराएंगे, सोडियम नाइट्राइड से कराएंगे। तो फिर क्या बन जाएगा आपके, नाइट्रोबेंजीन बन जाएगा। क्या बन जाएगा, नाइट्रोबेंजीन। ये भी रिएक्शन कई बार अपन देख चुके हैं, ठीक है जी। तो ये हो गई इसके बनाने की विधियां, क्या हो गई, बनाने की विधियां, ठीक है। भौतिक गुणों के बारे में अपन चर्चा करेंगे नहीं, हम सीधी बात करेंगे किसके बारे में, रासायनिक गुणों के बारे में। किसके बारे में, रासायनिक गुणों के बारे में। चलो मिटा दें, भौतिक गुण आपको खुद से पढ़ने हैं। चलिए बात करते हैं इसके रासायनिक गुणों के बारे में, जिसमें सबसे पहले अपन बात करेंगे अपचयन को लेकर। किसको लेकर, अपचयन, अपचयन, अपचयन नहीं रे, अपचयन, अपचयन। देखिए अपचयन का मतलब क्या होता है, हाइड्रोजन का जुड़ना। अपचयन का मतलब क्या होता है, हाइड्रोजन का जुड़ना। अब अपन यहां पर ना इसका अपन क्या करेंगे, अपचयन करवाएंगे नाइट्रो यौगिकों का। यहां अपन तीनों माध्यम लेंगे, अम्लीय माध्यम में करवा के देखेंगे, क्षारीय माध्यम में करवा के देखेंगे और उदासीन माध्यम में करवा के देखेंगे, ठीक है। तीनों माध्यम में जो है, जो नाइट्रो यौगिक जो है, ये क्या करता है, अलग अलग प्रकार के उत्पाद बनाता है। सबसे पहले अपन बात करते, देखो कौन से माध्यम में, अम्लीय माध्यम में बात करते, देखिएगा सबसे पहले जो बात करते अपन अम्लीय माध्यम में, अम्लीय माध्यम में बात करते, ये क्या बनाता है, एमीन बनाता है। अम्लीय माध्यम में अगर इसका अपन क्या कराएं, अपचयन करवाते, क्या बनाता है, एमीन। चलो करवाते देखो, CH3NO2 इसका अपन क्या करवाएंगे, अपचयन करवाएंगे। क्या करवाएंगे, अपचयन। इसको थोड़ा सीधा लिख देते हैं व्यवस्थित तरीके से, अपचयन करवाएंगे अपन किसकी उपस्थिति में, अम्ल की उपस्थिति में। यहां पर मैं ऐसे लिख देता हूं H+, H+ का मतलब क्या हो जाएगा, अम्लीय माध्यम में करवा रहे हैं, ठीक है। तो देखो क्या बनेगा, यहां पर लग जाएंगे दो हाइड्रोजन आपके, तो ये हो जाएगा CH3NH2,
दो लग गए तो कितने बचे, चार, तो बाहर क्या निकल जाएगा, टू एच टू ओ, ये बन गया एमीन। उसी प्रकार से अगर मान लो आपके पास नाइट्रोबेंजीन हो, नाइट्रोबेंजीन हो, ये हो गया एनओ टू। सेम प्रोसेस किसकी उपस्थिति में कराएंगे, अम्ल की उपस्थिति में, यानी एच प्लस, तो ऊपर क्या लग जाएगा एनएच टू, यानी एनिलीन, क्या लग जाएगा एनिलीन एनएच टू, और बाहर क्या निकल जाएगा टू एच टू ओ। ठीक है जी, तो ये है अम्लीय माध्यम में। ठीक है, अम्लीय माध्यम में अगर अपन करवाएंगे तो क्या बन रहा है, देख सकते हो आप एमीन बन रहा है। फटाफट आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर अपन आगे बढ़ते हैं। मिटा दें, चलो अगला अपन लेते हैं उदासीन माध्यम। उदासीन माध्यम में क्या बनता है, हाइड्रोक्सिल एमीन बनता है। क्या बनता है, हाइड्रोक्सिल एमीन। उदासीन माध्यम में हाइड्रोक्सिल एमीन का निर्माण होता है। देखिएगा, हाइड्रोक्सिल एमीन माध्यम कौन सा है, उदासीन माध्यम, और इस माध्यम में बनता है हाइड्रोक्सिल एमीन। क्या बनता है, हाइड्रोक्सिल एमीन। लेते अपन देखिएगा, सी एच थ्री एन ओ टू, ठीक है जी, और चार एच ले लेते अपन हाइड्रोजन, और यहाँ पर ये जिंक की उपस्थिति में एन एच फोर सी एल, यानी लवण हो गया, ना तो अम्ल है ना क्षार है, अमोनियम क्लोराइड अपन जानते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या बनेगा, देखो सी एच थ्री एन एच और ये ओ एच, हाइड्रोक्सिल एमीन। ठीक है, दो हाइड्रोजन काम में आ गए, दो बचे, बाहर क्या निकल जाएगा एच टू ओ, क्या निकल जाएगा एच टू ओ। चार हाइड्रोजन थे ना, चार में से दो काम आ गए, देखो एक यहाँ लग गया, एक यहाँ लग गया, दो बचे, दो एच टू ओ के रूप में बाहर निकल गया। और देखो जैसे मान लो नाइट्रोबेंजीन हो, इसको बोलते हैं अपन हाइड्रोक्सिल एमीन, तुम्हें पता हो तो, ग्यारहवें पार्ट के अंदर जो आपका एल्डिहाइड और कीटोन वाला जो टॉपिक है उसमें अपन ने खूब डिटेल में बात की थी एमीन के बारे में। ठीक है, हाइड्रोक्सिल एमीन क्या होता है, नहीं, जब एक तरफ क्या लगा हो, हाइड्रोक्सिल समूह लगा हुआ हो तो। ठीक है, अगर अपन बात करें नाइट्रोबेंजीन की, प्रोसेस सबका सेम होगा रे, वो कभी होगा चार एच, ठीक है, मैं यह नहीं लिख रहा हूँ, ये वो कभी चीज है। ठीक है, ये क्या हो जाएगा आपका, ये बेंजीन बना दो नीचे, बस ये तरीके से बेंजीन कर दो और कुछ नहीं, एन एच ओ एच, बाहर क्या निकल जाएगा एच टू ओ, क्या निकल जाएगा एच टू ओ। तो ये हो गया उदासीन माध्यम है, फटाफट इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम आगे बढ़ते हैं। चलो हो गया, अगला अपन करवाते हैं क्षारीय माध्यम में। मिटा दें, क्षारीय माध्यम में करवाते हैं, देखो तो क्या होता है, आप चेंज करवाएंगे अपन क्षारीय माध्यम में। देखो क्षारीय माध्यम अगर अपन अपचयन करवाएंगे तो आपके पास अलग अलग प्रकार के जो है यौगिक प्राप्त होते हैं। अगला आता है क्षारीय माध्यम, है ना, क्षारीय माध्यम में करवाते हैं तो क्या होता है। देखो आपकी बुक के अंदर बेंजीन दे रखा है यहां पे, लेकिन आप कोई सा भी ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है ना। यहां पे देखो टू सी सिक्स एच फाइव एनओ टू, कोई सा भी ले सकते हो आप अपने हिसाब से, कोई दिक्कत नहीं है उसके अंदर। ये मैं इसका करा रहा हूँ, अब चेंज करवा रहे हैं अपन इसका। यहाँ पर अपन लेते हैं जलीय सोडियम हाइड्रोक्साइड लेते हैं, क्योंकि सोडियम हाइड्रोक्साइड तो क्या होता है, ठोस होता है। सोडियम हाइड्रोक्साइड तो क्रिस्टल के रूप में होता है ना ठोस, तो वो तो ले नहीं सकते अपन, लेंगे तो इसका क्या लेंगे, जलीय विलयन लेंगे। ठीक है, और यहाँ पर होता है कि जिंक ले लेते हैं यहाँ पर, क्योंकि हाइड्रोजन का योग करा रहे हैं ना। ठीक है, तो ये क्या बनेगा, देखो आपके एजोक्सी बेंजीन सी सिक्स एच फाइव एन डबल बॉन्ड एन, यहाँ पे ऑक्सीजन जुड़ जाएगी इस प्रकार से सी सिक्स एच फाइव, और बाहर क्या निकल जाएगा थ्री एच टू ओ, बाहर क्या निकल जाएगा थ्री एच टू ओ जो है यहाँ पे बाहर निकल जाएगा। और देखते हैं अपन, देखिए और अलग अलग प्रकार के उत्पाद आपके पास बनेंगे टू सी सिक्स एच फाइव, अपन हाइड्रोजन की संख्या बढ़ाते हुए चलते हैं। इस बार मैं हाइड्रोजन ले रहा हूँ कितने, दस, ये प्रोसेस सेम रहेगा, तो क्या बनेगा देखिए सी सिक्स एच फाइव एन डबल बॉन्ड एन सी सिक्स एच फाइव, और बाहर निकल जाता है फोर एच टू ओ।
ठीक है, ये हो गया एजो यौगिक, हो गया ये तो एजोक्सी बेंजीन हो गया, और ये क्या हो जाएगा एजो यौगिक, यानी दोनों तरफ क्या लगे हुए, बेंजीन ऑक्सीजन है ही नहीं, तो इसको अपन बोल सकते हैं एजो बेंजीन कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं एजो बेंजीन, क्योंकि ये है आपके पास एजो यौगिक। अब यहां पर एजोक्सी क्यों कहेंगे, ये पूरा एजोक्सी यौगिक हो गया, ये जो है ना ये एजोक्सी यौगिक हो गया, इसलिए इसको अपन बोलते हैं एजोक्सी बेंजीन, एजो प्लस ऑक्सीजन एजोक्सी, और ये दोनों तरफ क्या लगे हुए हैं बेंजीन, ठीक है, और इसको केवल क्या बोलेंगे एजो बेंजीन बोल देंगे, क्या बोल देंगे एजो बेंजीन। अब क्या करते हैं अपन, हाइड्रोजन की संख्या को मैं बढ़ा देता हूं, तो यहां पर एजो हाइड्रोक्सी बेंजीन मिल जाएगा अपने को, देखिएगा एजो हाइड्रो बेंजीन, सॉरी 2C6H5NO2, हाइड्रोजन मैंने कर दिया यहां पर कितने, इस बार 10 कर दिए, तो ये मिलेगा आपको C6H5NH। अब यहां पर इस प्रकार से हो जाएगा ये डबल बॉन्ड NHC6H5, और बाहर क्या निकल जाएगा 4H2O, तो इसको बोलेंगे अपन एजो हाइड्रोबेंजीन, क्या बोलेंगे एजो हाइड्रो, क्योंकि ये है ना हाइड्रोजन भी है, एजो हाइड्रोबेंजीन। तो ये अपन ने देखा कि सारी माध्यम में जो है अपचयन करवाने पर आपको भिन्न भिन्न प्रकार के उत्पाद मिलते हैं। आप फटाफट इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, फिर अपन आगे चर्चा करते हैं इसकी भी, लिख लिया। चलो अगली अपन बात करते हैं कि जब इसका अपन क्या कराते हैं, विद्युत अपघटन करवाते हैं, तो विद्युत अपघटन करवाने पर क्या होगा, देखो विद्युत अपघटन भी अपन दो प्रकार से कराएंगे, एक तो दुर्बल अम्ल की उपस्थिति में करवाते हैं, एक अपन करवाएंगे प्रबल अम्ल की उपस्थिति में। तो दोनों में क्या होगा कि अलग अलग प्रकार के उत्पाद जो है आपको मिलेंगे। देखिए नोट्स की मैं बार बार आपको कह रहा हूं कि नोट्स जो है आपको हमने टेलीग्राम चैनल पर उपलब्ध करवा ही रखे हैं। दूसरा मैं बार बार आपको ये सुझाव दे रहा हूँ कि बेहतर होगा कि जब आप वीडियो देख रहे हो तो आप अपनी किताब लेके बैठो, ठीक है, क्योंकि जब आप किताब में देखोगे तो किताब में भी कई बार क्या कि मिस्टेक कर रखी है, बहुत सारी जगह पे मिसप्रिंट हो रखी है ना, तो उससे क्या होगा कि अगर आप मान लो कि अभी वीडियो देखोगे, आपने मान लो नोट्स लिख लिए या फिर डाउनलोड किए, और जब आप किताब में देखोगे तो आप ये सोचोगे यार सर ने गलत पढ़ा दिया। देखो मैं तो सही बता रहा हूँ, किताब के अंदर गलत लिखा हुआ है, ठीक है, तो देखो जाहिर सी बात, मैं ये नहीं कहता कि किताब वालों ने गलती कर दी, ठीक है उन्होंने सही लिखा, लेकिन भाई देखो मानवीय स्वभाव है, हो सकता है कि जब टाइपिंग की जा रही थी तो टाइपिंग में देखो मिस्टेक हो सकती है, दो की जगह पर 3 लिख दिया, हो सकता है 3 की जगह पर 4 भी हो सकता है, या 4 की जगह पर 2 हो सकता है, तो ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है ये, ठीक है अपन खुद समझ सकते उस चीज़ को, है ना। तो अगला अपन बात करते हैं इसका विद्युत अपघटन, है ना, विद्युत अपघटन करवाते हैं, देखिए तो क्या होता है विद्युत अपघटन, विद्युत अपघटन, देखिए विद्युत अपघटन अपन दो प्रकार से कराएंगे, एक तो प्रबल अम्ल की उपस्थिति में करवाते हैं अपन, किसकी उपस्थिति में, प्रबल अम्ल की उपस्थिति में करवाते तो क्या बनता है एनिलीन बन जाएगा आपके पास, या यूं कह सकते हैं एमीन बन जाएगा, क्या बन जाएगा एमीन बन जाएगा, और एक में बन जाएगा आपके पास हाइड्रोक्सिल एमीन। देखिएगा इसका मैं करवाता हूं CH3NO2, है ना, इसका अपन क्या करवाते हैं विद्युत अपघटन करवाते हैं। विद्युत अपघटन क्या कराएंगे, किसकी उपस्थिति में, अम्लीय माध्यम की उपस्थिति में करवाएंगे, किसकी उपस्थिति में, अम्लीय माध्यम की उपस्थिति में, ठीक है, तो ये हो जाएगा CH3 और NH2, और बाहर क्या निकल जाता है इसके अंदर H2O, जो यहाँ से ये बाहर निकल जाता है, प्रोसेस वोका हुई है, कुछ भी नहीं है, अपचयन ही हो रहा है एक प्रकार से, क्या हो रहा है एक प्रकार से अपचयन ही हो रहा है इसके अंदर भी, ज़्यादा कुछ विशेष नहीं है। अगर मान लो कि यहाँ पर अगर आप क्या ले लो बेंजीन ले लो, चलो इस प्रकार से ले लो आप, तो एनिलीन बन जाएगा NO2, चलो इसको एक बार मिटा के फिर लिखता हूँ मैं ना, प्रबल अम्ल की उपस्थिति की बात कर रहे हैं अपन। अब बहुत सारे सोच रहे होंगे कि सर जल कहाँ से आया, जल तो लेने पड़ेगा रे, तनु अम्ल में करवाते हैं और भी अपन जल तो मिलाना ही पड़ता है विद्युत अपघटन के लिए, विलयन तो हो गई इसका। ये है NO2, ठीक है, प्रबल अम्ल की उपस्थिति में करवाते हैं तो क्या बनता है एनिलीन बनता है, क्या बनता है एनिलीन, सॉरी आई थिंक, ठीक है, और बाहर क्या निकल जाता है H2O, ठीक है, ये प्रबल अम्ल मुझे लग ही रहा है एनिलीन बन रहा है ना, एनिलीन तो सॉरी यहाँ पे दुर्बल अम्ल होता है, माई मिस्टेक, क्या होता है दुर्बल अम्ल की उपस्थिति में करवाएंगे। प्रबल अम्ल में क्या बनेगा, पहले हाइड्रोक्सिल एमीन बनेगा, मिटा दे चलो
प्रबल अम्ल में क्या होता है, हाइड्रोक्सिल एमीन बनता है। देखिए प्रबल अम्ल की उपस्थिति में करवाएंगे तो क्या बनेगा, हाइड्रोक्सिल एमीन। वो दुर्बल में था, प्रबल अम्ल की उपस्थिति में करवाते हैं तो देखो क्या बनता है, हाइड्रोक्सिल एमीन बनता है। पहले इस प्रकार से ये NO2 प्रबल अम्ल की उपस्थिति में पहले क्या बनेगा, हाइड्रोक्सिल एमीन बनेगा। क्या बनेगा, हाइड्रोक्सिल एमीन, यानी ये NHOH इस प्रकार से। ठीक है, यहां से भी बाहर जल बाहर निकलता है। फिर इसका क्या होता है, पुनर्विन्यास होता है। क्या होता है, रीअरेंजमेंट। क्या होता है, रीअरेंजमेंट, पुनर्विन्यास होता है। तो ये जो OH समूह है ना, ये लग जाएगा यहां पर। अब यहां से क्या निकलेगा, हाइड्रोजन, और यहां से जो हाइड्रोजन निकलेगा ये लग जाएगा यहां पर। तो क्या बन जाएगा, देखो इधर भाई, एक हाइड्रोजन तो ऑलरेडी है, एक और आया, क्या हो गया NH2, क्या हो गया, और ये OH कहां लग गया, यहां लग गया इस प्रकार से। ठीक है, तो यहां पर देखो इसका नाम क्या बता सकते हो आप, बहुत इजी है ये, एमीन तो है ही है। ठीक है, अब मुख्य क्रियात्मक समूह कौन है, ये मुख्य क्रियात्मक समूह है, ये मुख्य क्रियात्मक समूह है। तो मैं कहूंगा कि ये मुख्य क्रियात्मक समूह, तो ये क्या हो गया, प्रतिस्थापी। ठीक है, तो ऑर्थो मेटा पेरा, तो पेरा पे लग रहा था, क्या हो जाएगा, पेरा एमीन, क्या हो जाएगा, फिनोल, पेरा एमीन फिनोल, या पेरा एमिनो फिनोल भी आप इसको लिख सकते हो। ठीक है जी, क्लियर, मिटा दें। चलो अगला अपन बात करते हैं इनके जलपटन को लेकर, जलपटन करवाते हैं इसका अपन। देखो ये तो हो गया अम्ल की उपस्थिति में, अगली बात करते हैं इसके जल अपघटन को लेकर। अपन बात करते हैं कि जल अपघटन करवाने से क्या बनेगा, जब इसका जलपटन करवाया जाता है। देखो जलपटन में अपन करवाते हैं अलग अलग तरीके से। सबसे पहले अपन करवाते हैं, देखो प्राथमिक नाइट्रो एल्केन का करवाते हैं जलपटन, तो क्या बनता है, एसिटिक अम्ल बनता है। क्या बनता है, एसिटिक अम्ल बनता है। CH3CH2NO2, इसका अपन क्या कराएंगे, जलपटन करवाएंगे H2O। तो एक तो बनता है एसिटिक अम्ल CH3COOH, और एक बनता है हाइड्रोक्सिल एमीन यानी NH2OH। उस हिसाब से आप संतुलित कर सकते हो, आपको कितने की आवश्यकता पड़ेगी आप देख सकते हो। ये होता है अम्ल की उपस्थिति में करवाते हैं आप, है ना, अम्ल की उपस्थिति में। सल्फ्यूरिक अम्ल हो सकता है या हाइड्रोक्लोरिक अम्ल हो सकता है, कोई सा भी अम्ल है उसकी उपस्थिति में इसका जलपटन करवाते हैं अपन। तो देखो रे कितने की जरूरत पड़ रही है अपने को, दो और एक तीन, क्या संतुलित हो गई, हाइड्रोजन एक, यहाँ से सी एच थ्री, दो दो चार, तीन और चार, चलो संतुलित है। ठीक है, अगला अपन करवाते हैं, अगर मान लो कि आपके पास क्या हो, द्वितीयक 2 डिग्री होना है, सी एच और ये सी एच थ्री एन ओ टू, इसका अगर अपन करवाएं तो क्या बनेगा, जरा अपन करवाते, देखो एच टू ओ, तो इससे बनता है कीटोन, सी एच थ्री सी डबल बॉन्ड ओ सी एच थ्री। ठीक है, अब यहां से बाहर क्या निकल सकता है, आप खुद सोचो, लगाओ आइडिया। एक तो निकल सकता है N2O, N2 निकल जाएगा एक तो, और क्या निकल जाएगा, H2O, N2O और H2O, क्या अभिक्रिया संतुलित है, चेक रहे बराबर, CH3CO, एक तीन, तीन हाइड्रोजन है यहाँ पे, H2O, दो और एक तीन, N2O, ऑक्सीजन कितनी हो रही है, दो और एक तीन, उधर कितनी हो रही है आपके पास, दो दो तीन हो रही है, हाइड्रोजन आपके असंतुलित हो रहे हैं क्या कहीं, ये भी संतुलित हो रही है। यहाँ पे अगर अपन दो लेते हैं, चलो एक मिनट, दो ले लेते हैं इसको संतुलित करने के लिए, दो और ये भी दो, नाइट्रोजन भी होगी संतुलित, हाइड्रोजन कितनी होगी अभी यहाँ पर देखो, दो दो चार, तो यहाँ से अपन ले लेते हैं इसको 2H2O। अब देखो संतुलित करके देखो, अब और ही नहीं हो रही है, हाइड्रोजन कितने हो गए यहाँ पर देखो, दो और दो चार हो गए, ऑक्सीजन कितनी हो गई यहाँ पर दो के हिसाब से, चार और एक पाँच, यहाँ कितनी हो जाएगी देखो, दो दो तो ये हो गई, दो ये हो गई चार पाँच, चलो संतुलित हो गई। ठीक है, तो इस प्रकार से आप देख सकते हो कि प्राथमिक जो नाइट्रो एल्केन है उससे क्या बनेगा, एसिटिक अम्ल बनेगा। क्या बनेगा, एसिटिक अम्ल, और द्वितीयक जो नाइट्रो एल्केन है उससे क्या बनेगा, एसीटोन बनेगा। क्या बनेगा, एसीटोन बन जाएगा। ठीक है जी, जो तृतीयक है 3 डिग्री उसका नहीं होता है। ठीक है,
जो तृतीयक नाइट्रो यौगिक होता है उसका जलघटन नहीं होता है। क्यों नहीं होता है उसका जलघटन, उसका कारण क्या है? उसका कारण ये कि उसके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं होते। अब बात आती है सर अल्फा हाइड्रोजन क्या होते, तो अरे सीधी सी बात है, अल्फा हाइड्रोजन के बारे में अपन कई बार बात कर चुके हैं इसको लेकर, ये NO2 ठीक है, जिस कार्बन से NO2 जुड़ा हुआ है ये कौन सा कार्बन है? अल्फा कार्बन। और अल्फा कार्बन से जुड़े हुए हाइड्रोजन क्या कहलाते हैं? अल्फा हाइड्रोजन। तो जो जो 3 डिग्री है इसके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं होते हैं, इसके कारण इसका क्या होता है? जलघटन भी नहीं होता है। ठीक है जी, मिटा दें। चलो अगली रिएक्शन की हम बात करते हैं कि इसकी जो नाइट्रो यौगिक जो है इसकी अपन क्रिया करवाते हैं किसके साथ? नाइट्रस अम्ल के साथ क्रिया करवाते हैं। किसके साथ करवाते हैं? नाइट्रस अम्ल के साथ क्रिया करवाते हैं, तो नाइट्रोलिक अम्ल बनेगा। अगर अपन प्राथमिक नाइट्रो एल्किन की क्रिया करवाएंगे तो क्या बनेगा? नाइट्रोलिक अम्ल बन जाएगा। देखिएगा CH3CH2NO2, इसकी क्रिया अपन कराते हैं किसके साथ? HNO2 के साथ करवाते हैं। किसके साथ? HNO2 के साथ करवाते हैं, तो क्या बनता है अपने पास? नाइट्रोलिक अम्ल बनता है। क्या बनता है? नाइट्रोलिक अम्ल। तो ये कुछ इस प्रकार से बनेगा नाइट्रोलिक अम्ल CH3C, ये हो जाएगा आपका डबल बॉन्ड NOH, और ये हो जाएगा आपके NO2, और बाहर क्या निकल जाएगा? H2O। ये होता है नाइट्रोलिक अम्ल। देखिए अभिक्रिया को संतुलित हो रही नहीं हो रही है, यहां से H निकला, यहां से O निकला, H2O। ठीक है, तो ये क्या हो गया? नाइट्रोलिक अम्ल। क्या हो गया? नाइट्रोलिक अम्ल हो जाएगा। अगर अपन क्या ले? प्राथमिक नाइट्रो एल्केन ले। अगर यहां मैं लेता हूं द्वितीयक नाइट्रो एल्केन तो मिलेगा स्यूडो नाइट्रोल। क्या मिलेगा? स्यूडो नाइट्रोल मिलेगा अपने को। इसका कई बार क्वेश्चन पूछा भी जाता है, एक दो बार क्वेश्चन आ चुका है इसका कि स्यूडो नाइट्रोल का सूत्र लिखिए। यहां नीचे बना रहा हूं इसको मैं, देखिएगा इधर क्या है, आप देखिएगा CH3 इधर क्या लग जाएगा, ये CH3 एक तरफ क्या हो जाएगा इसमें NO2, एक तरफ क्या हो जाएगा NO2, और एक तरफ क्या हो जाएगा आपका NH। बाहर क्या निकल जाएगा इसके अंदर देख सकते हो आप, देखो इसके अंदर बाहर क्या निकल जाएगा, एक बार मैं साइड में हो जाता हूँ, देखो फटाफट आप NH H2O, तो ये हो जाएगा आपके डबल बॉन्ड O, और ये हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन, यहाँ से निकल जाएगी ऑक्सीजन यानी H2O। इसको बोलते हैं स्यूडो नाइट्रोल, स्यूडो नाइट्रोल। ठीक है जी, तो इस प्रकार से ये आप देख सकते हो सीधा सा कि प्राथमिक नाइट्रो एल्केन है, इससे क्या बनेगा? नाइट्रोलिक अम्ल बनेगा, और द्वितीयक से क्या बन जाएगा? स्यूडो नाइट्रोल बन जाएगा। क्या बन जाएगा? स्यूडो नाइट्रोल। सीधा सा है, कुछ भी नहीं है, क्लियर कंप्लीट। अब बात आती है सर तृतीयक से क्या बनेगा? देखो तृतीयक से कुछ नहीं बनेगा। क्यों नहीं बनेगा? क्योंकि तृतीयक में क्या है? अल्फा हाइड्रोजन है ही नहीं। यहां पे भी रोल किसका हो रहा है? अल्फा हाइड्रोजन का। जहां जहां अल्फा हाइड्रोजन है वहां वहां पे कुछ मिलेगा आपको, बाकी कुछ नहीं मिलेगा। ठीक है, चलो अगला अपन करवाते हैं हेलोजनीकरण। क्या करवाते हैं? हेलोजनीकरण। हेलोजन के साथ क्रिया करवाते, देखो तो क्या होता है। ठीक है, सबसे पहले अपन लेते हैं देखो CH3NO2, इसकी क्रिया करा रहा हूं मैं 3Cl2 के साथ। किसके साथ? 3Cl2 के साथ। तो यहां पर तीनों हाइड्रोजन हेलोजन द्वारा विस्थापित हो जाएंगे, तो हो जाएगा CCl3NO2, और बाहर क्या निकल जाएगा? 3HCl। इसको बोलते हैं क्लोरोपिक्रीन। क्या बोलते हैं? क्लोरोपिक्रीन। क्या बोलते हैं? क्लोरोपिक्रीन। अगला अपन लेते हैं द्वितीयक, लेते देखो CH3CH NO2, इसकी भी क्रिया करा रहा हूं मैं किसके साथ? Cl2 के साथ करवा रहा हूं, तो ये हो जाएगा CH3, इधर हो जाएगा CH3, इधर क्या लग जाएगा? Cl, इधर क्या हो जाएगा आपका? NO2। बाहर क्या निकल जाएगा? HCl। आपको कहोगे सर 3 डिग्री के साथ नहीं होगा, क्यों? क्योंकि इसमें भी वही कंडीशन लागू हो रही है अल्फा हाइड्रोजन वाली, कि अल्फा हाइड्रोजन होगा तो हाइड्रोजन उसको विस्थापित करेगा, बाकी क्रिया करेगा ही नहीं। ठीक है, तो बहुत इजी रिएक्शन है यार, बहुत मजेदार, सीधी सी, दिमाग में लोड लेने की आवश्यकता नहीं है, बहुत ही इजी है। दिमाग में बटन लेके पढ़ोगे तो मजा नहीं आएगा, सीधी सी बात है, मिटा दें। चलो
अगला अपन देखते हैं कि अगर नाइट्रोबेंजीन है और उसकी बेंजीन वलय की जो अभिक्रिया है उसकी बात करते हैं। ये इंपॉर्टेंट है भैया, नाइट्रोबेंजीन की जो वलय की जो अभिक्रिया, इसके अंदर अनुनाद कैसे क्या होगा उसको लेकर बात करते हैं। देखिएगा, क्योंकि अपन जानते हैं नाइट्रो यौगिक जो है ये क्या दर्शाता है, माइनस आई प्रभाव दर्शाता है। माइनस आई प्रभाव का मतलब क्या करेगा, बेंजीन वलय से इलेक्ट्रॉन को खींचेगा, समझना ध्यान से। इसको मैं ऐसे बना देता हूं, इस तरह से ये नाइट्रोजन और इसको खोल के बना रहा हूं मैं, ये इधर ऑक्सीजन और ये इधर, ये हो गया इस तरह से। अब क्या होगा, देखो कि ये क्या कर दर्शाता है, माइनस आई प्रभाव दर्शाता है, ठीक है। या अपन यूं कह सकते हो कि माइनस आई या माइनस एम, यानी जो बेंजीन वाले से इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, बाहर निकालेगा। तो कैसे होगा, देखो ये इलेक्ट्रॉन इधर जाएंगे, ठीक है, तो ये इलेक्ट्रॉन कहां आ जाएगा, यहां आ जाएगा। तो अगली कंडीशन आपको क्या मिलेगी, देखिएगा, ये नाइट्रोजन और यहां पर ये क्या आ गया, इस पर माइनस, और यहां पर क्या आ जाएगा, ये द्विबंध, ये ऑक्सीजन है ही है आपकी। और अब देखो क्या होता है, देखो इसके अंदर यहां से इलेक्ट्रॉन दूर गए थे, इस कार्बन पर क्या आ जाएगा, प्लस आ जाएगा। यहां पर ये इलेक्ट्रॉन है ही है, यहां पर इस प्लस को उदासीन करने के लिए ये इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे यहां पर, ठीक है। तो अगली कंडीशन अपने को क्या मिलेगी, देखो ये नाइट्रोजन है ही है, ये ऑक्सीजन के साथ द्विबंध, ये इस पर माइनस आ रहा है, सॉरी द्विबंध नहीं, एकलबंध, और ये ऑक्सीजन, और यहां पर क्या है, ये द्विबंध, बहुत सीधा सा है। देखिएगा यहां पे ये बंध बन गया, यहां पर क्या आ गया, प्लस आ गया, यहां पे ये बंध है ये। अब ये इलेक्ट्रॉन कहां आएंगे, यहां पर आएंगे इस जगह पर। तो अगली कंडीशन क्या मिलेगी, देखो अपने पास ये नाइट्रोजन, ये ऑक्सीजन पर क्या है, ऋणावेश, ये ऑक्सीजन है इधर, ये डबल बॉन्ड, यहां पर क्या बन गया, बंद, यहां पर ये बंद बन गया, और यहां पर क्या गया, प्लस। अब इसको उदासीन करने के लिए ये इधर आ जाएगा, सीधी सी बात है ना। तो अगली अपने को क्या सिचुएशन मिलेगी, देखो इधर ये नाइट्रोजन, ये ऑक्सीजन, ये इसके ऊपर माइनस है ही है, ठीक है, और यहां पर ये बंद आ चुका है यहां पर। तो यहां से ये कहां आ जाएगा, यहां पर आ जाएगा, तो यहां पर क्या बन जाएगा, ये फिर से ये द्विबंद, ये ऑक्सीजन, और ये बंद रोटेट हो गए इस तरह से, ठीक है। अब देखो यहां पर दो समूह की बात करते हैं, एक तो आपके पास मान लो है इलेक्ट्रॉन स्नेही जिसको इलेक्ट्रॉन चाहिए, और एक है मान लो नाभिक स्नेही। कौन सा है, नाभिक स्नेही। तो सीधी सी बात है कि अगर इलेक्ट्रॉन स्नेही है जिसको क्या चाहिए, इलेक्ट्रॉन चाहिए, इलेक्ट्रॉन स्नेही का मतलब उस पर क्या होगा, धनावेश होगा। तो सीधी सी बात है वो यहां तो कभी आएगा नहीं, औरतों पर कभी आएगा नहीं, पेरा पे कभी आएगा नहीं, ठीक है। इलेक्ट्रॉन स्नेही ना तो औरतों पे आएगा ना पेरा पे आएगा, क्योंकि वहां तो क्या मिल रहा है, प्लस मिल रहा है भैया, तो ऐसी जगह पर जाएगा कम से कम प्लस, नहीं तो उदासीन तो हो यार भाई, धनावेश तो उसको प्रतिकर्षित करेगा ना, ठीक है। तो जो इलेक्ट्रॉन स्नेही समूह होगा वो ऐसी जगह पर जाएगा जहां उसको धनावेश ना मिले, तो वो कहां जुड़ेगा बताओ, यहां जुड़ेगा इस जगह पर। जो जो इलेक्ट्रॉन स्नेही समूह होंगे वो सब कहां पर जुड़ेंगे, मेटा पर जुड़ेंगे, और जो जो नाभिक स्नेही होंगे, नाभिक स्नेही कहां जुड़ेगा, या तो जुड़ेगा औरतों पर या फिर जुड़ेगा पेरा पर। नाभिक स्नेही कहां जुड़ेगा, या तो जुड़ेगा औरतों पर या जुड़ेगा पेरा पर, ठीक है। ये रिएक्शन जो है आपके दे रखी, आप सीधी सी डायरेक्टली देखोगे सीधा सा समझ में आ जाएगा वहां पर आपके, ठीक है। जैसे कि मान लो कि NO2 समूह है, अगर वो अगर जुड़ना चाहेगा तो वो कहां जुड़ेगा, मेटा पर जुड़ेगा, कहां जुड़ेगा, मेटा पर। चलो इसका एक दो एग्जांपल करके देखते हैं, फिर अपन इसको फिनिश करते हैं। देखिए इधर ये है नाइट्रोबेंजीन, और इस नाइट्रोबेंजीन की क्रिया करा रहा हूं मैं किसके साथ, HNO3 के साथ करवा रहा हूं, समझना ध्यान से। ये टूटेगा OH माइनस प्लस NO2 प्लस। अब देखो ये NO2 प्लस है, यानी ये क्या है, इलेक्ट्रॉन्स नहीं है, क्या है, इलेक्ट्रॉन्स नहीं, इलेक्ट्रॉन्स नहीं। मैंने बताया था कि कहां जुड़ेगा, मेटा पर जुड़ेगा, कहां पर जुड़ेगा, मेटा पर। मेटा पर क्यों जुड़ेगा, अभी आप देख चुके हो NO2, ये जुड़ेगा कहां पर, यहां पर जुड़ेगा, ठीक है जी। और बाहर क्या निकलेगा, यहां से देखो
H2O बाहर निकल जाएगा, सीधी सी बात है। वही कंडीशन किसके लिए लागू होगी? सल्फ्यूरिक अम्ल के लिए लागू होगी। किसके लिए? सल्फ्यूरिक अम्ल के लिए लागू हो जाएगी। लेकिन यदि यहां पर मैं क्या करता हूं, अगर मान लो मैं क्षार लेता हूं, समझना ध्यान से, क्या लेता हूं मैं? क्षार NO2, ठीक है जी। अब मैंने क्या ले लिया, मान लो क्षार, जैसे मान लो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड वगैरह कुछ इस प्रकार के यौगिक ले लिए अपन ने, ठीक है। मान लो मैंने ले लिया ये KOH ले लिया, ठीक है। तो ये कैसे टूटेगा बताओ? K प्लस और OH माइनस। अब देखो OH माइनस क्या हो गया बताओ? नाभिक्स नहीं हो गया। तो नाभिक्स नहीं कहां जुड़ेगा? या तो ऑर्थो पर या फिर पर, क्योंकि यहां पर प्लस मिल रहा है ना, इसी के भी क्या मिल रहा था? प्लस मिल रहा था, अभी अपन ने देखा था। तो ये जो है OH जुड़ेगा या तो ऑर्थो पर जुड़ेगा या फिर जुड़ेगा कहां पर? पेरा पर, क्योंकि वहां इसको क्या मिलेगा? प्लस मिलेगा। क्या मिलेगा? प्लस इस जगह पे, ठीक है। तो ये दो जगह पे जो है ये OH जुड़ सकता है। ऐसा क्यों होता है, अभी अपन ने देखा था, ठीक है। तो इसी के साथ आपका जो ये 13 लेसन यानी 13वां जो अध्याय है, नाइट्रोजन युक्त क्रियात्मक समूह, फिनिश होता है। इसकी जो मेन मेन रिएक्शन थी या अपन पूरा ही देख लिया था इसको। तो जैसे मान लो कि आपके नाइट्रो यौगिकों में जो अपन बात की थी पहले लेक्चर में, अपन ने बात की थी एमीन के बारे में, उनके परिचय के बारे में, बनाने की विधियों के बारे में। फिर अपन ने बात की थी डाइजोनियम लवण के बारे में, जो कि हट गया लेकिन फिर भी अपन ने देखा था। फिर अपन ने बात की थी साइनाइड के बारे में, जो कि हट गया फिर भी हमने देखा था, ठीक है। यूरिया हमने नहीं देखा, और ये है नाइट्रो यौगिक, इसको भी अपन ने एक लेक्चर में अपन ने कंप्लीट कर दिया। अगली जो क्लास होगी, नेक्स्ट क्लास में अपन बात करेंगे आपका जो स्टीरियो केमिस्ट्री यानी त्रिविम रसायन जो है उसके बारे में बात करेंगे। त्रिविम रसायन यानी समयोता क्या होती है उसके बारे में। मैं आपसे यही कहूंगा कि उस लेक्चर को देखने से पहले या जो वीडियो आने वाला, पहले बता रहा हूं मैं आपको कि अगला जो वीडियो आएगा वो आएगा त्रिविम रसायन के ऊपर। तो बेटर होगा कि आपकी कक्षा 11 के अंदर जो आपका जो 12वां और 13वां चैप्टर, उसके अंदर एक टॉपिक है समावयवता आइसोमेरिज्म, और उसके अंदर भी स्पेशल आप उसको देख लें। त्रिविम समावयवता जो है दो प्रकार की होती है, तो संरचनात्मक समावयवता, एक होती है त्रिविम समावयवता, ठीक है। तो त्रिविम समावयवता जो है उसको आप एक बार अच्छे से पढ़ें, ताकि आपको समझ में आ जाएगा कि कैसे क्या है। ये जो नया जो वीडियो आएगा उसको समझने में आपके सुविधा रहेगी, ठीक है जी। उसके बाद पढ़ाई करते रहें और एंजॉय करें, ठीक है। धन्यवाद।